बाबू। Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। और जी सुनाइए, कैसे चल रहा है सब कुछ। गर्मी तो हर जगह बहुत है, बहुत शिद्दत है गर्मी में। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है सबको, और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें और हेल्दी चीज़ें खाएं, ज़्यादा पानी पिया करें और कोशिश करें कि हेल्दी ड्रिंक्स लिया करें। और यहाँ मैं कर रही हूँ जी लंच की तैयारी। लंच में मैं बना रही हूँ मटन रोस्ट, यानी कि काली मिर्च का गोश्त, जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी ना ब्लैक पेपर चिकन की। सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही तरीक़ा, सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम मेथड से मैं बना रही हूँ, मगर इस बार चिकन से नहीं बल्कि मटन से। मटन से भी आप बना सकते हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तरकारी यानी कि वेजिटेबल्स डालकर भी बना सकते हैं। और अब बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद में ये मटन रोस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार बनता है। और फाइनली ये रेडी हो चुका है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसको मैं दाल और चावल के साथ सर्व करूँगी। अगर आप चाहें तो गरम गरम पराठे या चपाती डालकर भी इसको सर्व कर सकते हैं, ये रोटी के साथ और भी मज़े का लगता है। लंच की तैयारी के बाद मुझे आटा गूंदना था, तो मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ। और हमारे यहाँ ज़्यादा रोटी ही खाई जाती है सुबह नाश्ते में और रात को, और अम्मी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सिर्फ थोड़ा सा चावल खाते हैं दोनों। और मैं तो यूजुअली लंच में ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, तो फुलके वगैरह ही खाती हूँ, वो भी रात में और सुबह नाश्ते को। तो इतने दिन से तो रमज़ान था, रमज़ान में मेरी वॉक बिल्कुल भी नहीं हो पाई, रोज़े रख लिए और घर के काम कर लिए, यही बहुत था। तो जैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म हुए, उसके बाद दो दिन ईद की थी, दो तीन दिन ईद के गुज़रे, उसके बाद मैंने फिर वॉकिंग शुरू कर दी। अब ये सारे काम निपटा कर मैं इवनिंग को वॉक पर जाऊँगी। फिर जी मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो हम लोग नीचे आ गए, हमने नमाज़ पढ़ी, थोड़े से काम निपटा लिए। फिर अराउंड 7:30 क्योंकि संडे का दिन था, तो हम बाहर गए डिनर करने के लिए, मी माय हस्बैंड एंड माय किड्स। I'm not afraid to
फिर फाइनली वी रीच्ड स्पाइस 6 जो कि बंजारा हिल्स पर है। ये जो बड़ा वाला ब्रांच है वहाँ पर हम आए थे और ये है उसकी एंट्रेंस। यहाँ सारे प्लेसेस रिज़र्व थे, बड़ी मुश्किल से एक हमें टेबल मिला और फिर मेन्यू कार्ड से हमने डिसाइड किया कि हम अरेबियन प्लेटर ऑर्डर करेंगे। बहुत सारे थे, चाइनीज़, इंडियन वगैरह, डिफरेंट प्लेसेस के, टर्किश भी था, लेकिन अरेबियन मिक्स्ड प्लेटर हमने ऑर्डर किया। काफ़ी टेस्टी था खाना, बच्चों ने, हमने सब ने इन्जॉय किया। हमारे लिए सफिशिएंट था 4 लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं डाइटिंग नहीं कर रही आजकल, मगर मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, मीठा वगैरह अवॉइड कर रही हूँ और ऑयली चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि संडे था और हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा तकाजा किया कि हम बाहर जाते हैं खाते, दिल तो मेरा भी करता है वैसे कि मैं कुछ चेंज करूं अपनी डाइट, कुछ डिफरेंट खाऊं, कुछ बाहर का खाऊं, होटलिंग करूं और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। सिर्फ बाहर जाके खाने से ही नहीं, बल्कि आप जब बाहर निकलते हो तो आप कार में बैठते हो, बात करते हो, होटलिंग करते हो तो टेबल पे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक बातें करते हो। फैमिली के साथ जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हमारी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए चेरिश हो जाते हैं। आज बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे और ये वीडियोस देखेंगे तो उनको भी याद आएगा कि हम कभी इसी तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। और फिर जी फाइनली हमारा डिनर हो गया और माशाल्लाह खाना बहुत मज़ेदार था। काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने इस डिनर को। और आगे की क्लिप्स में मैं आपको रेस्टोरेंट के, इस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से बताऊंगी जहां पर हम लोग नीचे उतर कर गए थे, तो थोड़े से क्लिप्स मैंने आपके लिए बना लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और फिर रेस्टोरेंट से निकलकर हम लोग जब घर वापस जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हें एक स्पेशल सा सोडा पिलाता हूँ। आप सबको मैंने ये जगह पहले भी बताई थी पिछले किसी व्लॉग में, एंड यहाँ हम अक्सर आते रहते हैं, यहाँ बड़े मज़े के कबाब वगैरह मिलते हैं। और ये सोडा हम लोगों ने पिया था, गोली सोडा। तो मैंने लेमन सोडा ऑर्डर किया था, लेमन फ्लेवर वाला, ये देखिए ये है जी। और हस्बैंड ने ऑरेंज सोडा ऑर्डर किया था, उनको वो बहुत पसंद आया और मुझे ये ठीक लगा। बस ऐसे कोई कुछ ख़ास नहीं लगा, कोई सोडा कुछ स्पेशल नहीं लगा, मगर हस्बैंड को और बच्चों को पसंद आया, ये उनका है। तो मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे ऐसे कोई ख़ास फ्लेवर तो लगा नहीं। खैर उसके बाद हम घर वापस आ गए और इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। डू टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।